आज हम देखेंगे डिस्टेंस रिले क्या होता है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस रिले किस कहाँ पे यूज होता है। तो डिस्टेंस जो प्रोटेक्शन होता है कि वाइडली यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो अपना ट्रांसमिशन लाइन होता है, जो अपने ट्रांसमिशन जो लाइन होते हैं। तो क्या होता है, कोई जो हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होता है या फिर सब ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका डिस्टेंस रिले यूज करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस रिले क्या होता है, देखो डिस्टेंस रिले क्या होता है कि ये क्या करता है, आपको मेजर द क्वांटिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द लोकेशन ऑफ रिले एंड द पॉइंट वेयर द फॉल्ट अकर्ड। ठीक है, ये क्या करता है, एक क्वांटिटी मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर नहीं करता, एक क्वांटिटी मेजर करता है आपके मालूम कि जहां पे आपका रिले जहां पे प्लेस्ड है और जहां पे आपका फॉल्ट अकर हुआ है। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक क्वांटिटी मेजर करता है विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द रिले एंड द फॉल्ट वेयर अकर। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपके रिले और जहां पे फॉल्ट अकर हुआ है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है वो क्वांटिटी। ठीक है, मान लो कि आपका रिले यहां पे है। ठीक है, रिले हमने यहां प्लेस किया, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है और यहां पे मान लो कोई फॉल्ट आपका अकर हुआ। ठीक है, यहां पे फॉल्ट अकर हुआ तो ये क्या करेगा, एक क्वांटिटी मेजर करेगा। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि ये डिस्टेंस, मान लो कि यहां पे 100 मीटर है। ठीक है, तो ये नहीं करेगा कि आपका 100 मीटर ये डिस्टेंस मेजर करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक क्वांटिटी मेजर करेगा, वो कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है, मैं बताऊंगी, वो क्वांटिटी मेजर करेगा जो कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इसमें क्या होता है कि मेजर क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू द लाइन लेंथ बिटवीन द लोकेशन ऑफ रिले एंड द पॉइंट वेयर द फॉल्ट हैज अकर्ड। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, एज अ मेजर क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अलोंग द लाइन द मेजरिंग रिले इज नोन एज डिस्टेंस रिले। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी मेजर करते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस रिले कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो देखो इस स्कीम में क्या होता है, ये क्या मेजर करता है, इट्स मेजर द इम्पीडेंस एंड सम अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ लाइन इम्पीडेंस एट द रिले लोकेशन। ये क्या करता है, सॉरी ये क्या कहता है, इम्पीडेंस को मेजर करता है या फिर अदर कॉम्पोनेंट्स को ये मेजर करता है रिले लोकेशन पे, जो कि आपके किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है रिले, और जहां पे फॉल्ट अकर हुआ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो तीन हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। तो देखो क्या को, पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, रीच। रीच आपका क्या होता है, इसमें ये कॉमनली आपका किसके साथ यूज होता है, डिस्टेंस रिले के साथ यूज होता है ये टर्म। तो क्या होता है, देखो अ डिस्टेंस रिले ऑपरेट व्हेन द इम्पीडेंस एज सीन बाय योर रिले इज लेस देन द प्रीसेट वैल्यू। ठीक है, मान लो कि रीच क्या होता है, मान लो कि हमारा जो डिस्टेंस रिले है वो कब ऑपरेट करेगा, जब उसका जो इम्पीडेंस हम मेजर करेंगे वो किसके किससे कम हो, आपके प्रीसेट वैल्यू से कम हो, तो आपका डिस्टेंस रिले क्या होगा, ऑपरेट होगा। ठीक है, दिस प्रीसेट इम्पीडेंस और द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड रीच ऑफ द रिले। मान लो कि मैंने किसी भी सिस्टम का एक ना प्रीसेट वैल्यू सेट कर दी मैंने। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो रिले होगा, जो डिस्टेंस रिले होगा, वो कहां पे ऑपरेट करेगा, जब आपकी जो आपने इम्पीडेंस मेजर किया है या फिर आपने जो कंपोनेंट मेजर किया है यहां से लेके इसके बीच में जो उसकी वैल्यू होगी, अगर उसकी वैल्यू उस प्रीसेट वैल्यू से कम होगी तो आपका डिस्टेंस रिले क्या होगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। तो वो जो प्रीसेट वैल्यू हम सेट करते हैं ना, वो रीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रीच कहते हैं। ठीक है, कि आपका रिले, रीच ऑफ द रिले कहते हैं, कि आपका रिले वहां तक पहुंच सकता है, वहां तक ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, समझ गया। और इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हो, इट इज अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लाइन अप टू विच द रिले कैन प्रोटेक्ट। क्या होता है कि क्योंकि आपने जो क्वांटिटी मेजर की है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो डिस्टेंस होगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ लाइन अप टू विच योर रिले कैन बी प्रोटेक्ट। ठीक है,
ये क्या होगा, मैक्सिमम लाइन डिस्टेंस होगा जिस जहां तक आपका रिले क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये आया आपको। उसके बाद देखो ये टर्मोलॉजीज मैं उनके साथ बता रही हूँ क्योंकि आपके एक टॉपिक था, कुछ आपको टर्म्स पढ़ने थे, प्रोटेक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे, राइट। तो मैं जो जो चीजें पढ़ाते जाऊंगी, जो जो उसमें टर्म्स आते जाएंगे उसके साथ मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। एज अ डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि रीच ऑफ रिले क्या होता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा है ओवरेज, ठीक है। क्या होता है कि समटाइम रिले में ऑपरेट इवन व्हेन द फॉल्ट इज बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट रीच, ठीक है। तो आपका रिले क्या होता है, कभी कभी ना मान लो कि मैंने कोई प्रीसेट वैल्यू सेट की है, ठीक है, कोई रीच मैंने सेट किया, रीच ऑफ द रिले मैंने सेट किया, कोई पॉइंट सेट किया, तो हमारा जो फॉल्ट होता है उसके बाहर होता है, बियॉन्ड। मान लो कि मैंने कुछ लिमिट सेट किया कि यहां से इतने के इतने बीच के जो डिस्टेंस है वहां तक हमारा प्रोटेक्टिव रिले ऑपरेट करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा मान लो कि फॉल्ट, हम मैंने जो अपना रीच वैल्यू है वो कहां 100 तक सेट किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारा फॉल्ट मान लो यहां पे अगर हो गया, ठीक है, तो हमारी ये प्रोटेक्टिव एरिया में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या होता है फिर भी हमारा रिले ऑपरेट कर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवर रीच कहते हैं, ठीक है। कि सम टाइम रिले में ऑपरेट इवन व्हेन द फॉल्ट पॉइंट इज बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट रीच, दैट इज इट्स प्रोटेक्टिव लेंथ, ठीक है। और देखो थर्ड टर्म क्या है आपका, अंडर रीच क्या होता है। देखो क्या होता है कि समटाइम रिले में फेल टू ऑपरेट इवन व्हेन द प्रोटेक्टिव इवन व्हेन द फॉल्ट पॉइंट इज विद इन इट्स रीच, बट इट इज एट द फार एंड ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन, दिस फेनोमेनन इज नोन एज अंडर रीच, ठीक है। क्या होता है कि मान लो कि आपका आपका जो ना जो आपका फॉल्ट है वो मान लो कि एकदम यहां पे यहां से यहां तक हमारा क्या है प्रोटेक्टिव जोन है, ठीक है, तो क्या होता है वो इसके अंदर ही लाई करेगा फॉल्ट, इसके इस प्रोटेक्टिव जोन के अंदर ही आएगा, लेकिन क्या होता है कि वो एकदम एज पे होता है, एकदम बाउंड्री पे आता है, तो क्या होता है कभी कभी अपना जो रिले होता है वो डिस्टेंस रिले होता है वो ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंडर रीच कहते हैं। रीच क्या होता है कि जब आपके जो डिफाइंड एरिया है उसके अंडर में जब आपका रिले ऑपरेट करेगा तो उसे क्या कहेंगे, रीच कहेंगे, रीच ऑफ द रिले कहेंगे। ओवर रीच क्या होता है कि अगर आपका मान लो कि प्रोटेक्टिव जोन के बाहर आपका कोई फॉल्ट अकर कर रहा है उसके लिए भी रिले आपका ऑपरेट हो जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, आपको ओवर रीच कहेंगे। और एज अ नेम सजेस्ट, नाम से पता चल रहा है क्या कौन सा क्या ऑपरेट होगा। और अंडर रीच कब होगा कि अगर आपका प्रोटेक्टिव जोन के अंदर आपका कोई फॉल्ट लाई करता है और उसके बावजूद भी आपका रिले ऑपरेट नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे, अंडर रीच कहेंगे, अंडर रीच ऑफ द रिले कहेंगे, ठीक है। ये टर्म्स तीनों को क्लियर हो गया आपको, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो जो आपका जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो स्कीम होता है उसमें क्या होता है कि वो सिंगल स्कीम होता है विच प्रोवाइड्स द बोथ प्राइमरी और द बैकअप प्रोटेक्शन, ठीक है। प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन सिंगल रिले से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस रिले में अचीव कर सकते हैं, राइट। यहां तक समझ में आ गया डिस्टेंस रिले क्या होता है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स के डिस्टेंस रिले कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, इट्स मेजर द क्वांटिटी, मेजर क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द लाइन लेंथ बिटवीन द लोकेशन ऑफ रिले एंड पॉइंट वेयर द फॉल्ट हैज अकर्ड, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, इम्पिडेंस हो सकता है आपका, एडमिटेंस हो सकता है, राइट, रिएक्टेंस हो सकता है, तो ये डिफरेंट आपका क्वांटिटी हो सकता है, तो उसके बेसिस पे ना आपके जो आपका जो डिस्टेंस रिले वो क्लासिफाइड है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो हम देखेंगे कि डिफरेंट बेसिस पे आपका जो ये डिस्टेंस रिले कैसे क्लासिफाइड है, राइट। यहां तक समझ में आ गया।